भाई इस दरगे के अंदर आए हैं, ये तकरीबन 700-800 साल पुराना है। ईरान ने और यहाँ पर लिखा हुआ है सालुक बानुर चौक। और भी सुना है कि ये बलोच भी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अरब हैं। और ये तीन कब्रें हैं, एक दूल्हा, एक दुल्हन, और इसके साथ में होता है जो करीबन 700-800 साल पुराने कब्रें हैं। हजरत शेख अब्दुल कादिर जेलानी का मज़ार है, आस्ताना भी अंदर जाएंगे। बस भाई आप लोगों को पता है आज हम कहाँ जा रहे हैं, तो मेरा दोस्त आने वाला है, उसको और मेरा दोस्त आएगा उसके साथ हम जाएंगे, उसको भी पता नहीं हम आज कहाँ जाएंगे। ओ रहा आ रहे हैं, कितना पतला पतला सा है, देखो बजक बजक सा है। अस्सलाम वालेकुम। जोड़े तो वैसे थी आवाज होता वहाँ भी थे जी, अरे टिकटॉक रही है टिकटॉक रही। तेरा मालूम है तेरा कोजा बरा तेरा बरा मलंगा नहीं जा गया चारे मलंग तेरा एचना का या बिस्मिल्लाह करने पराडो स्टार्ट करने बिस्मिल्लाह रहने रहे। वाह यार कोजा मावाल। हम भाई इस वक्त मौजूद है ग्वादर का पुराना कब्रिस्तान, अभी कब्रिस्तान के अंदर से हम जा रहे हैं। ये सामने ये दरगाह का रास्ता है ग्वादर फोर्ट के नज़दीक में। बस भाई अभी हम आ गए ग्वादर के कब्रिस्तान के अंदर, ये एक दरगाह है और अंदर जाएंगे आप लोगों को दिखाते हैं कितना पुराना है। और इसके साथ में ग्वादर फोर्ट है और ये कब्रिस्तान के अंदर है, आप लोगों को जाएंगे दिखाते हैं अंदर से कितना पुराना दरगाह है और किसका है, आप लोगों को बताते हैं, साथ रहिएगा। ये भी यहाँ का टंकी है और तकरीबन ये मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए बनाया गया छोटा सा मस्जिद है अभी। और एक दरख्त है, टंकी है और एक सूखा हुआ दरख्त यहाँ पर है। और यहाँ पर ये दरख्त इसके ऊपर कपड़े वगैरह बांधे गए। और ये दरगाह है अंदर जाए, ये भी यहाँ का एक दरख्त है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सारे कपड़े बांधे गए हैं, शायद मन्नत के लिए इस तरह होगा। इसके अंदर जाएंगे आप लोगों को दिखाते हैं। अच्छा बलूचन अवस्था अच्छा सर मर्दमा चू रोजान सारी कम ही है ना, बस कम है ना ये चू नहीं है मजा तो फिर कई चू नहीं है नाम भी तो लिखता भी था ना एक आओ
अच्छा वो बोल रहे थे के पूरा जी बोल रहे थे कंपनी वाले ने सिर्फ कंपनी ने अभी तक अच्छा नाम इधर लिखता है बिना सच्ची चीज लिखता है इतने का बड़े इसे चौक तो चाहिए इसमें मैं गया करूं नहीं कुछ ये वाला दादा का ये दादा बोल रहा था अच्छा नाम मां सच्ची काट को तक काट को तक हमें ये हमें चीज इसी का बोल रहा था चाले मजे ने मत सोचने का इधर लाइन है सिस्टम एच ने नहीं ना ना लाइन लाइन है तो आपने मैं लोगों से आप कर रहे अच्छा आप सहूलत बीबी है ना यहाँ का टंकी है यहाँ पर पानी नहीं है ये लोग खुद पीने का पानी भी ट्राली से ले आते हैं घर से मगर घर भी उन लोगों का काफ़ी दूर है इनका पानी का मसला है टंकी बना हुआ है मगर पानी नहीं है भाई इस दरगे के अंदर आए हैं ये तकरीबन 700-800 साल पुराना है यहाँ पर ये लोग अभी तक आते हैं बैठते हैं यहाँ पर ना बिजली का सिस्टम है ना पानी का यहाँ पर जो मकामी लोग हैं यहाँ पर आते हैं बैठ जाते हैं तो फिर वो ट्राली से घर से अपना पानी ले आते हैं इनका पानी का मसला है टंकी मौजूद है ये बोल रहा हमारे पास पानी नहीं होता है अगर लोग आ जाते हैं यहाँ पर वजू करते हैं नमाज़ पढ़ते हैं यहाँ पर दरख्त भी है उनके लिए पानी या परिंदों चरंदे होते हैं उनके लिए पानी का हमें ज़रूरत है अच्छा यहाँ पर भी सुराख है पहले से अंदर से जाली लगाया गया और आप लोग देख सकते हैं इसके पत्थर तराशे गए डिज़ाइन किए गए सारे पुराने 700-800 साल पुराने उसी डिज़ाइन सारे पत्थर से बनाया हुआ है पूरा अब इसका मरम्मत भी करना चाहिए काफ़ी पुराना हो चुका है एक दरख्त इधर भी सूखा हुआ है भाई ये भी ट्राली है अभी ये लोकल लोग हैं अभी तक इसको संभाल रहे हैं इसका चार दीवारी भी नहीं है इसका तो भी अभी हम अपना पराड़ों से जाएंगे ये डायरेक्ट है चाबी भी नहीं है बस भाई अभी इस दरगाह से हम निकलेंगे जाएंगे एक और दरगाह है वहाँ पर भी आप लोगों को दिखाते हैं पहले जाएंगे यहाँ से एक दो कब्रें हैं तकरीबन तीन कब्रें हैं वहाँ पर जाएंगे सालूक और बानूर के नाम से हैं और वहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे और उसके बारे में बताएंगे साथ रहिए अभी यहाँ पर हम आए हैं ये यहाँ पर और कब्रें हैं तीन कब्रें हैं एक साथ में एक ही टाइम ये पौत हो चुके हैं एक दूल्हा है एक दुल्हन है एक होता है देमदार हम बोलते हैं उसका है तो यहाँ पर ये तीन कब्रें हैं काफ़ी पुराने हैं आप लोगों को दिखाते हैं उस तरफ जाएंगे इसका हिस्ट्री भी काफ़ी पुराना है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और ये पूरे कब्रिस्तान है यहाँ पर हर कब्र आप देख सकते हैं सिंगल बना हुआ है इसका कोई चार दीवारी नहीं है मगर ये काफ़ी पुराना कब्रिस्तान है और ये कब्र काफ़ी पुराने हैं यहाँ पर इसका चार दीवारी भी बनाया गया और दो वहाँ पर मीनार भी बनाए गए और ये देखो कितने पुराने पत्थर हैं इसके ऊपर और पत्थरों से ये चार दीवारी बनाया गया अभी उस तरफ से अंदर जाएंगे ये भी आसार कदीमों से हैं भी यहाँ पर आप देख सकते कोई साफ़ सुथरा ही नहीं सारे दरख्त हैं यहाँ पर अंदर जाना कितना मुश्किल है मगर हम जाएंगे आप लोगों को दिखाते हैं ये इसका रास्ता था ये दरवाज़ा भी है दरवाज़ा तो नहीं लगा हुआ है मगर रास्ता है अंदर जाने का चारों तरफ ये दरख्त हैं यहाँ से अभी अंदर जाना है अभी
इनको क्रॉस करने कपड़े पाड़ रहे हैं। ये भी पत्थरों से आप देख सकते हैं किस तरह डिज़ाइन किया गया, और ये भी डिज़ाइन किया गया, यहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ था ये, और यहाँ पर लिखा हुआ है सालुक बानूर चौक लिखा हुआ है। अभी अंदर जाएंगे, ये इसका रास्ता है, ये भी जगह है कब्रों का, और ये तीन कब्रें हैं, एक दूल्हा, एक दुल्हन, और इसके साथ में होता है जो दूल्हे दुल्हन को सजाता है, हम बलूची में देमदार बोलते हैं ये। तो इसका स्टोरी इस तरह हमने सुना था कि, और भी सुना है कि ये बलूच भी नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं अरब हैं, और इनका नाम वगैरह कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, सिर्फ यही आपको मालूम है, हम लोगों को मालूम है कि सालुक बानूर कब्र यहाँ पर है। तो सुना था कि जो देमदार बोलते हैं हम, जो दुल्हन को सजाता है तो उसके सामने होता है, शादी के तीन चार दिन होते हैं, तो हमारे यहाँ रस्म होता है कि दुल्हन और दूल्हे को दूध पिलाते हैं, रस्म है जो दूल्हा आ जाता है, बैठ जाता है घर पर, तो उसको दूध पिलाते हैं। तो हमारे यहाँ रस्म इस तरह है कि जो देमदार बोलते हैं जो दुल्हन को सजाता है, उसने पहले दूध पिया, उसके बाद दुल्हन और दूल्हे ने पिया, तो उसके बाद तीनों के मौत हो गई, तो इस तरह तीनों फौत हो गए। और भी ये देख सकते हैं पत्थरों को किस तरह भी डिज़ाइन किया गया उस ज़माने में, ये भी तकरीबन 700-800 साल पुराने कब्र हैं। और यहाँ पर ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जगह बनाए गए हैं, तकरीबन यहाँ पर लालटीन वगैरह जैसे कि दिया वगैरह जलाते थे उस तरह। ये भी एक पत्थर है यहाँ का, ये एक पत्थर है, इस तरह तराशा गया, डिज़ाइन किया गया भाई। और भाई इसका रास्ता आप देख सकते हैं, चारों तरफ ये झाड़ियाँ हैं, और इनका सफाई करना चाहिए हमारे यहाँ के लोगों को, या तो किसी को या मुझे या आपको ये चीज़ करना है, जिम्मेदारी तो वैसे हम सबका है, लेकिन सरकार को करना चाहिए। ये तो इसका रास्ता भी नहीं अंदर जाने का भाई, तो इस तरह जाना है हमें, हम दे रहे हैं कि कांटा माटा लगेगा, हम कुकर करेंगे, ये पता अच्छी जा के रोते गए तो बेचा। आओ तो भाई अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, यहाँ से अभी जाएंगे एक और दरगाह है, वो भी काफ़ी पुराना है, वहाँ पर भी जाएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं, साथ रहिएगा। बस भाई अल्लाह पाक इन जो बहुत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको सबको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, और हमारा भी रास्ता यही है, सबका रास्ता यही है, अल्लाह सबको नेक काम करने की तौफीक दे। अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह आगे, ये बेश हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मज़ार है, आस्ताना आप देख सकते हैं। तो यहाँ से अभी अंदर जाएंगे, चंपल आओ दगशियाँ, ये भी इसका माशाल्लाह, यहाँ पर ये दरगाह काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको संभाल रहे हैं माशाल्लाह, बहुत यहाँ पर दरख्त वगैरह लगाए गए हैं माशाल्लाह, और यहाँ पर टंकी है और इसके अंदर पानी भी मौजूद है, और उस तरफ बैतुल खिला है यानी कि वॉशरूम, और यहाँ पर वजू खाने भी हैं, टंकी है, पानी भी मौजूद है, पीने का पानी यहाँ पर है, मटका लगा हुआ है भाई। अभी अंदर जाएंगे थोड़ा, बिस्मिल्लाह भाई, ये भी मज़ार का अंदर है, तो ये भी एक टंकी है, और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर तकरीबन लोग नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं इस जगह में। तो आगे ये आप लोगों को दिखाता हूँ, ये तस्वीर लगा हुई पता नहीं किसका है, ये एक छोटा सा जुलाई,
यहाँ पर लाइटों का सिस्टम भी ज़बरदस्त है, और इस तरफ आप लोगों को दिखा तो पता नहीं क्या है। यहाँ पर दिया भी ये रोशन करते हैं, चालू करते हैं। भी अंदर जाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह खुशबू आ रही है ज़बरदस्त, माशाल्लाह। ये एक शंगर बोलते हैं जंजीर है, और एक दमाल मालिद। ये माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से इसको संभाल रहे हैं। अभी तक यहाँ पर लोग आ जाते हैं, इसको खूबसूरत तरीके से बनाया गया माशाल्लाह। और भाई ये मज़ार और पहले वाला जो मज़ार था, अगर शाहरुख बानूर का जो कब्र है, इनके बारे में अगर आप लोगों में से किसी को भी मालूमात है तो ज़रूर उस मालूमात को कमेंट के ज़रिए में आप लिख सकते हैं, मुझे कमेंट करें नीचे, फिर मैं उसको पिन करूँगा, फिर जो लोग देख रहे हैं उनको मालूमात मिल जाएगा। अभी भाई यहाँ से हम निकल रहे हैं, बस भाई दोस्तों इस वीडियो को यहीं से करते हैं एंड। काफ़ी गर्मी है, काफ़ी पसीना हो रहा हूँ, तो इस वीडियो को यहीं से करते हैं एंड। ज़िंदगी रही, फिर मिलते हैं नई दिन नई टॉपिक नई जगह के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को आगे शेयर करें, मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।